खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते यहां प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं बड़वानी कोतवाली थाने पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व फेसबुक पर सुनील सोलंकी निवासी गंधवानी ने खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल पर अभद्र टिप्पणी पोस्ट की थी, जिसे लेकर भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा कार्रवाई को लेकर विभिन्न थानों पर ज्ञापन दिया गया था। मंगलवार रात्रि को अभद्र पोस्ट करने वाले सुनील सोलंकी और 6 अन्य के खिलाफ बड़वानी कोतवाली में FIR दर्ज की गई। हम अभी जो पिछले तीन दिन पहले हमारे जो सांसद है भाई गजेंद्र सिंह जी पटेल, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी के खिलाफ और उस टिप्पणी पे जिन्हें कमेंट्स किया उन सब सभी साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए आए हैं। FIR दर्ज हो गई है। कितने लोगों के खिलाफ हुई? 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। प्रमुख है सुनील सोलंकी करके गंधवानी का है, जिसने फेसबुक पर कमेंट्स किया, फेसबुक पर पोस्ट डाली है और उसके साथ अभद्र टिप्पणी किया। उसके साथियों ने ऐसी घिनौनी वो किया है, कमेंट्स किया है, जिसको बखान भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम आज सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि ऐसे जनप्रिय और लोकप्रिय नेता के खिलाफ कोई बोलने का साहस न कर सके। ये सांसद जी बड़वानी खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी के संबंध में जो टिप्पणी की गई थी, उसके संबंध में आज जो BJP के कार्यकर्ता है उन्होंने आके FIR दर्ज कराई है। इसमें सुनील सोलंकी, मुकेश डावर, सुनील तोमर, रोहित सिंह, राहुल डावर, भील राजा और सुरेश आर्य, ऐसे 7 लोग हैं जिनके खिलाफ जो है FIR दर्ज किए। रोहित डावर है वो जो राहुल डावर। ये अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, मुख्य आरोपी जो है गंधवानी क्षेत्र का रहने वाला है। ये जो अपराध है ये धारा 505, धारा 500, 501 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। गौरतलब है कि सांसद के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के चलते पूर्ण जनजाति समाज में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह ज्ञापन सौंप कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। बड़वानी से रजनीश हेनेचा की रिपोर्ट।